हेलो गाइस, आज हम आप लोग को हम लोग की जो लाइफ है, जो फ्यूचर है एग्रीकल्चर, उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोग को दिखाना चाहते हैं, जो हमारे फील्ड पे आज हमारे टीचर्स के द्वारा हम लोग को बताया जा रहा है। और इसमें कुछ महिंद्रा के राइज है, एक नई कंपनी महिंद्रा ने जो नई स्टार्टअप स्टार्ट किया है राइज के नाम से, जिसमें वो लोग एग्रीकल्चरल मशीन वगैरह के बारे में बताते हैं। तो आप लोग एक बार फील्ड को मायना कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। पहले इसको करते हैं आज कंप्लीट, आधा अधूरा, आधा ये करेंगे आधा ये करेंगे, फिर टाइम ये फील्ड जो है आपको 30 सेंटीमीटर की बेड होनी चाहिए, जिसमें क्या है बगल में जो दोनों साइड चैनल है राइट और लेफ्ट, इससे क्या जब बारिश का पानी हो या आप एक्स्ट्रा इरीगेशन देते हो तो वो मतलब ड्रेन हो नर्सरी खराब हो जाता है। तो मेन इसका कॉन्सेप्ट ये है ऊंचा करके रेज बेड बनाएगा, रेज मतलब ऊंचा बेड। फिर उसके बाद जो हम इस पर अपना फ्रेम रखेंगे और 10-10 के ब्लॉक में एक साथ हमारे 10 ब्लॉक रेडी हो जाएंगे। फिर उसके बाद 150 ग्राम रीजनल प्लांटेशन करेंगे और एक एक करके हम इसमें शिफ्ट करते जाएंगे। जो भी आगे का प्रॉफिट है अभी आप लोग ना करके देखते, सिंपल सी चीजें थी, फिर भी एक कॉन्फिडेंस आ गया ना कि मैट नर्सरी के लेआउट तो एटलीस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कर लिया आप लोगों ने, अब बस मैट नर्सरी हम लोग शुरू कर देंगे। क्यों लेआउट डालेंगे ना, उसके लिए 2.5 kg अगर आप वेट करेंगे, 2.5 kg इसके PVC पोल्डिंग, ये पोल्डिंग की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, 2.5 kg इसका एक वेट होता है स्टैंडर्ड। इससे अभी एक बार आप लोग देखिए आइडिया हो जाता है ना, तो फिर किसी न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं है, शुरुआत में एक आइडिया के लिए आपको। तो दवा के रखने से आप जानेंगे सब इसे कर रहे हो। थोड़ी थोड़ी दूर से ही ऐसे करना, ठीक, पानी ड्रेन आउट हो और नजदीक से, और बाकी जो मतलब छेद होंगे वो थोड़ा इवन होने चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे और होंगे तो चलेगा, एक्स्ट्रा भी चलेंगे इसे, बस आपको देखना है कि इवन होने चाहिए। किनारे के क्योंकि पानी क्या होता है मोस्टली आप वो किनारों पे ज्यादा जमता है, आप कहीं घर पे अगर कोई भी पानी का फ्लो करते हैं तो क्या होता है कि बीच से निकल जाता है किनारे पे जाके, तो किनारे पे हमारा क्या है ज्यादा मतलब की मोटिबिलिटीज रहती है वाटर लॉगिंग की, स्टैंडिंग वाटर की, ये चीज आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद जब हम किनारे कर लेंगे तो बीच में फिर थोड़ा सा सेट करने के लिए एयरेशन के लिए और पानी के लिए। अब आप में से कौन आएगा, बहुत ज्यादा जल्द मतलब कि पास के चक्कर में बस पूरी पॉलिथीन नहीं फटे, उसको आची बोलते हैं, तगाड़ बोलते हैं या जो भी है बकेट है, अगर 7 बकेट मिट्टी लेते हैं तो 3 बकेट आपको FIM लेना है। ठीक है, 60:40 भी चल सकता है, 70:30 भी चल सकता है, मेजरमेंट एक ही होना चाहिए, तो तगाड़ लीजिए या बकेट लीजिए, जिससे मिट्टी मेजर कीजिए उसी से FIM। ठीक है, तो हम आप स्टार्ट कर रहे हैं पहले, और ये छेद क्यों कर रहे हैं कोई बात समझा कि नहीं, एयर एयर स्टैंडिंग वाटर नहीं निकली, जो हम ऊपर से रोज इरिगेट करेंगे तो एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट, बारिश के पानी, ठीक है, तेज पानी
बाकी इन जनरल जो हम पानी डालते हैं वो यहीं से नीचे परकुलेट कर जाएगा। अरे यही है सर, बोरी में भरो। अरे ऐसा नहीं ले जाओ, वेस्ट हो जाएगा। सुनो, ऐसे पकड़ो, ऐसे बना लो ठीक हो गया। तब एक डालो, सुनो, पकड़ो, नहीं पकड़ो, बैलेंस ठीक है। आराम से मिलाएंगे, एक प्लेन लकड़ी या जो मतलब एकदम वो हो उसके भी आप लेबलर का भी यूज कर सकते हो, और इसमें भी छाटते रहेगा, ऐसे कुछ भी कंकड़ या कुछ ना आ जाए क्योंकि ये लास्ट रहेगा, नहीं तो फिर यही मैट में इसका साइज क्या है। देखिए ये है आपका 58 सेंटीमीटर, ठीक है, 58 सेंटीमीटर इसका लेंथ है और इसका विड्थ के लिए 28, ठीक है, 28, ठीक है, 58-28 ऐसे इन जनरल। ये जो है 1.25 इंच का पाइप होता है जनरल, ठीक है, ये अभी 1.5 इंच से थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 1 इंच के करीब का, ठीक है, को भी क्योंकि इतनी हमारे रूट की डेप्थ होती है अभी जो मैट नर्सरी जो 15 दिन में ग्रो करेगी। अदरवाइज जो ये हमारा नर्सरी अब यही सेम ये प्लेट ऐसे ट्रे निकल के आपके RTP में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। ये रेडीमेड 10 प्लेट बन जाएगा बिल्कुल, जब तक प्लेन ना हो जाए तब तक आपको इसको हाथ से चलाते रहना। मिट्टी अभी इसमें और लगेगी, लेकिन और कोने में बीच में कहीं भी कम ज्यादा ना हो, बिल्कुल एकदम ज्यादा फ्लो ज्यादा है, जाली से ना आके कहीं बाहर से लीक कर रहा है ये थोड़ा पानी हो जाए, उतना ज्यादा गीला नहीं, पर जल्दी करना पड़ेगा, बस छोड़ दो उस तरफ आ जाओ, छोड़ो हटो, बस हटा दो। अब बीच का प्रोसेस और कहीं पे छूट ना जाए, कॉर्नर भी ना छूटे, मिडिल वे पूरा हर जगह यूनिफॉर्मली हो। ये जो हजारा वाला है ना, इससे पानी तो आपका ज्यादा आ जा रहा है, अदरवाइज अभी क्या करते हैं बहुत लाइटली इसको हल्का थपकी देते हुए और वाटरिंग करते हुए तो आपको बहुत केयरफुली बहुत ध्यान से विक्रम, किसी का कोई डाउट है आप? नहीं सर, ये जो है उससे काफी मैट से मत छोड़िए, सारी चीजें फिर एकदम नजदीक यहाँ आ जाएगा, ये जादू फिर आप बारिश हो जाएगी। हमें तो कोई चिंता वाली बात नहीं, बस पुआल से ढका होना चाहिए, पुआल से ढका, धूप और डायरेक्ट पानी नहीं आना चाहिए अगले 5 दिन के लिए, मॉइस्चर भी बचेगा और सीड भी बचेगा, इंक्लूड कर लेते हैं नेक्स्ट चार दिन और 4 दिन बाद आप हटा के देखिए। हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे, बीच में बारिश आके हम लोग की रुकावट बन चुकी है, जैसा कि हमने जितनी मिट्टी वगैरह थी जो है ना क्रिकेट की जगह एग्रीकल्चर वाले खिलाड़ी, तो हमारे बारिश की वजह से खेल में बाधा नहीं आता, बारिश होती है तो खेल और जम के होता है, ये तो है ही हम लोग का। तो अभी हमारे पास जो कुछ मटेरियल है अभी रेडी है, सब रेडी है, अब बस अगर ये बारिश इससे फर्दर और तेज नहीं होती है तो इस बारिश में भी हमारा आराम से अपना काम करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह पराली भी बिछा दी है हम लोगों ने, तो कोई भी असर नहीं होगा बारिश की, किसी भी